आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक फूड वर्ल्ड में। तो आज हम बनाएंगे होममेड पिज्जा। तो हम पिज्जा का डो बना लेंगे। उसके लिए 2 कप मैदा, 1 ग्लास गुनगुना पानी, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट, 1 कप तेल, 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच नमक ले लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें 2 कप मैदा डाल लेंगे, ड्राई ईस्ट डाल लेंगे, शक्कर डाल लेंगे, नमक डालेंगे, और तेल डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा डो रेडी हो गया है, तो उसे 1.5 घंटे तक एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम भाजी को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल लेंगे, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 कटे हुए प्याज डाल लेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे और 1 चम्मच नमक डाल के उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारे डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और उसको रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम एक प्लेट में थोड़ा आटा फैला देंगे। अपने बेस को उस पर रख देंगे। और फोक से छोटे छोटे छेद कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से वो बेक हो जाए। अब हम ऊपर से थोड़ा आटा छिड़क देंगे। अब हम 1 कप नमक डाल लेंगे और उसे स्प्रेड कर लेंगे। अब हम रिंग रख लेंगे और अपने पिज्जा डो को बेक होने देंगे 5 मिनट तक। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा डो बेक हो चुका है। तो अब हम उसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी लगा लेंगे, 1 चम्मच टोमेटो केचप लगा लेंगे मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे, फ्राई किए हुए सब्जी डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, 1 चम्मच मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे और 1/2 चम्मच ओरिगैनो डाल लेंगे। अब हम अपने पिज्जा को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्वादिष्ट होममेड पिज्जा रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।